हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास फिफ्थ. सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली. सो डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 2 विच नेम इज ऑप्टिमिज्म, मीन्स आशावादी होना. ठीक है, कुछ यहाँ पर आज हम इसके लेसन का मीन स्टडी करने जा रहे हैं. चलिए मैं स्टडी करता हूँ, आपको स्टडी कराता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है. बच्चों, दिस इज अबाउट ए मैन, ये व्यक्ति के बारे में है, रॉबिन्सन क्रोजे. बच्चों, इसका नेम है रॉबिन्सन क्रोसी, हु लॉस्ट एवरीथिंग इन ए शिप ब्रेक एंड फाउंड हिमसेल्फ इन डिजर्ट आइसलैंड. बच्चों, जिसने सब कुछ खो दिया था क्या होने पर, एक जहाज टूटने पर, और अपने आप को एक रेगिस्तान के द्वीप पर पाया. येट ही डिड नॉट लॉस हिज पेशेंस, और उसने अभी तक अपना धैर्य नहीं खोया था. चिल्ड्रन, बच्चों, यू कैन रीड हिज स्टोरी एज गिवन बिलो. तो बच्चों, आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं जो नीचे दी गई है. द वे दैट केम अपॉन एंड वरीड मी एट वंस 20 or 30 feet डीप इन इट्स ऑन बॉडी. बच्चों, द वे दैट कम्स अपॉन एंड वरीड मी एट वंस 20 or 30 feet डीप इन इट्स ऑन बॉडी. बच्चों, कि वह कहना चाह रहा है कि वे जो उसको नजदीक ले गया, यानी दफन के नजदीक ले गया, यानी 20 or 30 feet नीचे इन इट्स ऑन बॉडी, यानी उसकी बॉडी को वो क्या ले, कहाँ ले गया, नीचे ले गया. कितने फीट नीचे? 20 or 30 feet नीचे. आई कुड फील माई सेल्फ कैरिड अवे विद ए माइटी फोर्स एंड स्विफ्टनेस टू द सोर. बच्चों, में कह रहा है कि मैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए एक फोर्स लगा रहा था तेजी से टू द सोर, किनारे की तरफ. ठीक, I held my breath and tried to swing forward with all my might. तो बच्चों, I held my breath. मैंने अपनी सांस रोकी and tried और कोशिश की to swing forward with all my might. यानी मैंने अपनी सांस रोकी और आगे की तरफ तैरने के लिए क्या की, मैंने कोशिश की, मैंने सामर्थ्य दिखाया. I was ready to burst with holding my breath as I felt myself rising up. तो बच्चों, आई वॉज रेडी, मैं तैयार था टू ब्रश टूटने के लिए विद होल्डिंग माई ब्रेथ, यानी जब मैं अपनी सांस रोक रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं टूटने वाला हूं या मैं टूटने के लिए तैयार हो रहा हूं. आई फेल्ट माई सेल्फ राइजिंग अवर, मैंने अपने आप को ऊपर उठता हुआ महसूस किया. आई फाउंड माई हेड एंड हैंड टू शूट आउट अबव द वाटर. बच्चों, मैंने पाया माई हेड एंड हैंड्स टू शूट आउट अबाउट द वाटर, यानी मैंने पाया कि जो मेरे हैंड, हाथ और जो सर है, ठीक, टू शूट आउट अबाउट द वाटर, यानी वह पानी से ऊपर उठने के लिए. बच्चों, इट वॉज नॉट 2 seconds ऑफ टाइम दैट आई कुड कीप माई सेल्फ सो. तो बच्चों, यह इट वॉज नॉट 2 seconds ऑफ टाइम, यानी यह 2 ही सेकेंड था समय का, दैट आई कुड कीप माई सेल्फ सो. तो मैंने अपने आप को जैसा था वैसे ही रखा. इट गेव माई कॉन्फिडेंस बैक, इसने मेरा कॉन्फिडेंस वापस दिया, एंड न्यू कोरेज, और नया साहस. आई स्टक फॉरवर्ड अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफ द वेव्स एंड फेल्ट ग्राउंड अगेन विद माई फीट. तो बच्चों, आई स्टक फॉरवर्ड अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफ द वेव्स, यानी बच्चों, मैंने फिर से आगे को मारा. बच्चों, मारना मीन्स, यानी आगे को मैंने तैरने की कोशिश की, जैसे कि रिटर्निंग ऑफ द वेव्स, यानी समुद्र की जो लहरें थी वह लौट कर आ रही थी, तो उन लहरों ने उसको बच्चों आगे की तरफ मारा. एंड फेल्ट ग्राउंड अगेन विद माई फीट, और मेरे पैरों को फिर से क्या मिल गया, ग्राउंड मिल गया, जमीन मिल गई. आई स्टूड स्टिल ए फ्यू मोमेंट एट रिकवर माई ब्रेथ एंड देन रन विद व्हाट एवर स्टैंड. तो बच्चों,
मैं खड़ा हुआ स्टिल अ फ्यू मोमेंट कुछ मोमेंट के लिए एट रिकवर माई ब्रेथ, और जैसे ही मेरी ब्रेथ रिकवर हुई एंड देन रन विद वट एवर स्टैंड। तो बच्चों फिर से उसे क्या हुआ, फिर से लहरों ने उसको धक्का दिया। आई हैड फर्दर एट द शोर, यानी वट द फ्यूरी ऑफ द सी केम फ्यूरिंग इन आफ्टर मी अगेन। तो बच्चों मैं जो है किनारे पर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समुद्र की लहरें बार बार मुझे क्या कर रही थी, धक्का दे रही थी। आई वॉज लिफ्टेड अप ट्वाइस बाय द वेव्स एंड कैरिड फॉरवर्ड एज बिफोर एज द शोर वॉज वेरी फ्लैट। तो बच्चो आई वॉज लिफ्टेड अप ट्वाइस बाय द वेव्स, यानी मुझको द्वारा से जो है लहरों के द्वारा जोर लगाया गया एंड कैरिड फॉरवर्ड एज बिफोर, और पहले की तरह ही मुझको कैरी किया गया एज द शोर वॉज वेरी फ्लैट, जैसे कि किनारा जो था बहुत ही फ्लैट था। द लास्ट ऑफ दीज टू वेव्स हैड ऑलमोस्ट बीन फैटल टू मी, और बच्चों द लास्ट ऑफ दीज टू वेव्स, और जो लास्ट टू वेव्स थी जो दो लहरें थी, हैड ऑलमोस्ट बीन फैटल टू मी, यानी वह बहुत ही जानलेवा थी, दे डस्ट मी, तो बच्चों उन्होंने मुझे टक्कर मारी। अंगेंस्ट पीस ऑफ रॉक विद सच फोर्स दैट इट फेल्ट मी सेंसलेस एंड हेल्पलेस। तो बच्चों एक ऐसा जोर था जो मुझे क्या कर रहा था, सेंसलेस यानी अविवेकपूर्ण और हेल्पलेस और यानी असहाय बना रहा था। आगे चलते हैं। द बिलो फेल अपॉन माई साइड एंड ब्रे एंड ब्रेस्ट एंड वीट द ब्रेथ आउट ऑफ माई बॉडी। तो बच्चों नीचे फेल अपॉन माई साइड एंड ब्रेस्ट एंड वीट द ब्रेथ आउट ऑफ माई बॉडी। तो बच्चों नीचे मेरी जो शरीर की जो ब्रेथ थी, जो सांस थी, ठीक है ना, वो क्या हो रही थी, वो निकल रही थी, और जो मेरी धड़कन थी वे क्या हो रही थी, वो निकलने वाली हो रही थी। Had it returned again, और बच्चों ये वापस आई, immediately I would have been strangled in the water. तो बच्चों मैं पानी में दबा हुआ था, but लेकिन I recovered a little before the return of the waves. तो बच्चों मैं फिर से recovered हुआ a little before the return of the waves. I resolved to hold fast to the rock and to hold my breath. तो बच्चों मैंने पुनः सॉल्व किया टू होल्ड फास्ट टू द रॉक एंड टू होल्ड माई ब्रेथ। तो बच्चों मैंने फिर से अपनी सांस को रोकने की कोशिश की, पॉसिबल टिल द वेव्स वेंट बैक, जब तक कि जो लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें, वह वापस ना आ जाए। नाउ द वेव्स वर नॉट एज हाई एज द फर्स्ट एंड विंग नियर द लैंड। सोचो नाउ द वेव्स वर नॉट एज हाई, सोचो जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वह ऊंची नहीं थी एज द फर्स्ट, यानी पहले की तरह, एंड विंग नियर द लैंड, और वह लैंड यानी धरती के पास। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस को रोका टिल द वेव्स अवेटेड एंड देन, जब तक कि जो है लहरें थी वह कम ना हो गई, एंड देन मेड अनदर डैश, और जब तक क्या हुआ, दूसरी तरफ से टक्कर लगी, विच ब्रॉट मी नियर द शोर, जो मुझे किनारे तक ले जा रही थी। द नेक्स्ट वेव दो इव वांट ओवर मी, और बच्चे जो नेक्स्ट लहर, जो अगली लहर थी वह मेरे ऊपर से गुजरी, डिड नॉट कैरी मी अवे, जो मुझे किनारे तक नहीं ले जा सकी। विद द नेक्स्ट रन आई गोट द मेन लैंड, और बच्चों दूसरी बार मैंने जो है मेन लैंड, यानी मुझे मेन लैंड मिल गई। आई क्लम्बर्ड अप द क्लिफ्स एंड सेट ऑन द ग्रास फ्री फ्रॉम डेंजर एंड क्वाइट आउट ऑफ द रीच ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों जैसे ही बच्चों उसको लहर की, दूसरी लहर की टक्कर लगी, तो वह धरती पर पहुंच गया, यानी जमीन पर पहुंच गया। आई क्लम्बर्ड अप द क्लिप्स, और बच्चों मैं एक खड़ी चट्टान पर पहुंच गया एंड सैट ऑन द ग्रास, और एक ग्रास पर बैठ गया, यानी घास पर बैठ गया।
from danger, free from danger and quite out of the reach of the water. और बच्चों मैं खतरे से बाहर निकल गया और मैं वाटर से बाहर आ गया. तो सेफ ऑन श्योर, सेफ एंड श्योर. तो बच्चों हमें सुरक्षित और किनारे पर था. आई यानी मैं किनारे पर सुरक्षित था. आई बिगेन टू लुक अप एंड थैंक गॉड दैट माई लाइफ वॉज सेव्ड फॉर ओनली फ्यू मिनट्स बिफोर आई हैड हार्डली एनी होप. तो बच्चों आई बिगेन टू लुक अप, मैंने ऊपर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने मुझे, क्योंकि ईश्वर ने मेरी चंद मिनटों में रक्षा की, मेरी जान बचाई. और बच्चों मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं थी. आई वॉक्ड अबाउट द शोर मॉर्निंग द डेथ ऑफ माई कुमार्स हु हैड श्योरली ड्रोन. तो बच्चों मैं किनारे पर घूमने लगा मॉर्निंग द डेथ ऑफ माई कुमार्स हु हैड श्योरली ड्रोन. तो बच्चों और मैं बच्चों शोक हो गया किससे, मृत्यु से, जो मुझे डुबाना चाहती. देर वॉज नो साइन ऑफ द ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर ट्री ऑफ दियर हर्ट्स एंड टू शूज वॉविंग इन द वाटर. तो बच्चों देर वॉज नो साइन यानी वहां पर कोई चिन्ह नहीं था ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर ट्री यानी वृक्षों को छोड़कर ऑफ दियर हेड्स एंड टू शूज वॉविंग इन द वाटर और उसकी टोपी को छोड़कर और उसके जूतों को छोड़कर जो पानी में तैर रहे थे. आई कास्ट माई आईज टू द स्टैंडर्ड विजल बट द वीज एंड फोर्थ ऑफ द सी विंग्स ऑफ विंग आई कुड हार्डली सी इट. तो बच्चों मैंने पाया यानी जो पानी का जहाज था वह धसा हुआ. बट द वीज एंड फोर्थ लेकिन जो तट था एंड फोर्थ ऑफ द सी और समुद्र का बाह्य जो बाह्य आवरण था विंग्स ऑफ विंग बहुत ही बड़ा था. आई कुड हार्डली सी इट और मैं इसे नहीं देख पाया. इट लेड सो फार ऑफ एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. तो यह बहुत ही तेज थी एंड थॉट टू माई सेल्फ और मैंने विचार किया लॉर्ड इस बार हाउ इट पॉसिबल दैट आई कुड गेट सोर. बच्चों यह कैसे संभव है कि मैं बाहर आ गया. तो बच्चों आज हमने इसका मीन यहाँ तक आपको समझाया है. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट पेज यानी नेक्स्ट पेज का मीन बताएंगे. तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक थैंक यू.